दी एनथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, एपी के एंड टर्म से हमें एनथ टर्म निकालना है, यानी एपी के लास्ट से हमें एनथ टर्म निकालना है। जैसे एक थ्योरम दिया है, ए भी होगा फर्स्ट टर्म और डी भी होगा कॉमन डिफरेंस और एल भी होगा लास्ट टर्म, तो हमें दिखाना है कि इसका एंड से एनथ टर्म एल माइनस एन माइनस वन डी होगा। हमने प्रूफ करने के लिए एक एपी लिखा, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, यानी ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और इसमें डी कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म निकलते जाएगा, लेकिन लास्ट से हमें एल जो होगा लास्ट टर्म होगा, एल माइनस डी सेकेंड लास्ट और एल माइनस टू डी थर्ड लास्ट। तो हमें लास्ट टर्म निकालना है एल, तो एल इज इक्वल टू यहाँ पे एल डाल दिया माइनस कॉस्ट में वन माइनस वन डी, यहाँ पे वन वन माइनस वन करने का मतलब है कि लास्ट से हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो यहाँ पे वन रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस वन डी, ये प्रूफ करना है। तो वन एन का स्थान पर हमने वन रख दिया तो वन वन कैंसिल, यहाँ पे जीरो आएगा, तो ये भी डी भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ एल बच जाएगा, यहाँ पे हमने एल लिख दिया। सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, इंड से एपी के एंड से एल माइनस वन डी यहाँ पे प्रूफ करना है, तो एल माइनस यानी सेकेंड टर्म टू रख दिया एन के स्थान पर और माइनस वन है, तो यहाँ पर डी से जब डी मल्टीप्लीकेशन होगा तो एल माइनस डी आ जाएगा। वहीं से थर्ड टर्म लास्ट से एल माइनस टू डी हमें निकालना है, तो एल माइनस थर्ड टर्म यानी थ्री रख दिया माइनस वन होगा और डी से मल्टीप्लाई होगा, तो एल माइनस टू डी। वैसे ही फोर्थ टर्म के लिए एल माइनस थ्री डी आएगा और एन टर्म के लिए एल माइनस एन माइनस वन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई डी। ये हमारा प्रूफ हुआ एन टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन ए पी। नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें।